हेलो दोस्तों, मैं बिकवल आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बेरोजगार योद्धा पर। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर बिहार आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है, जो कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से अभी अभी का ये लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो निकल कर आया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर 27,000 छात्र छात्राओं को 3,000 रुपये जो है मासिक सैलरी देने जाने की यहां पर बात कही जाई है दोस्तों। और कब से जो है अकाउंट में ये ट्रांसफर की जाएगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि बिहार आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले, कि अगर आपने अभी तक मेरे बेरोजगार योद्धा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि जो भी ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी मैंने बिहार आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में बात की, जिससे जुड़ी सारी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है इस पेपर के माध्यम से जो है आया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर 27,000 छात्र छात्राओं को मिलेंगे 3,000 रुपए, जो कि आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से बताई गई है दोस्तों, जो कि जल्द ही मिलने वाली है दोस्तों। और भी क्या सारी जानकारियां है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हैं, यहां पर आईटीआई के स्टूडेंट्स को इसी साल से पोशाक राशि भी साथ में दी जाने की बात कही गई है दोस्तों। और वहीं पर छात्र छात्राओं के खातों में भेजी जाएंगी राशि, जो कि पटना के न्यूज़ में ये निकलकर दैनिक भास्कर के न्यूज़ में ये निकलकर आया है दोस्तों। अगर ये नोटिफिकेशन जो है आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर चले जाइए, वहां से डेली का अपडेट जो है मिलते रहती है दोस्तों, जो कि हर वो कटिंग का न्यूज, जो स्पेशल न्यूज होता है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ताकि आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और हर वो नोटिफिकेशन जो है आप सबसे पहले अपने द्वारा पहुंचवाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राज्य सरकार सरकारी आईटीआई के स्टूडेंट्स को इस साल सत्र 2020 से 21 से पोशाक एवं जूता की राशि देगी। सालाना 3,000 रुपये छात्र छात्राओं के सीधे उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। वहीं श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है दोस्तों। वहीं सरकारी आईटीआई खुलने के बाद राशि छात्रों के खातों में भेजी जाएगी, यानी कि सरकारी आईटीआई जैसे ही खुल जाएंगे, कोरोना वायरस का जब असर ख़त्म होने लगेंगे, जब ये सारी मामला जो है, ये महामारी दौर जो है वो ख़त्म होने लगेंगे, जब सरकारी आईटीआई खुलेंगे, तब जो है राशि का प्रावधान जो है वो हर छात्रों के अकाउंट में भेजी जाएंगी। वही योजना का लाभ राज्य के 149 आईटीआई के लगभग 27,000 छात्र छात्राओं को मिलने वाले हैं दोस्तों। वही दूसरी बात करते हैं, योजना में विभाग को लगभग 10 करोड़ की राशि सालाना खर्च करनी होगी। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस साल योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस राशि से स्टूडेंट्स 2 जोड़ी पोशाक और 1 जोड़ी जूता जो है खरीद सकेंगे। आवश्यकता अनुसार समय समय पर राशि में संशोधन भी किया जाएगा। वही आईटीआई के माध्यम से नियोजन व प्रशिक्षण निदेशालय को छात्र छात्राओं की नामांकन रिपोर्ट मिलेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राशि दी जाएगी। संस्थान में नामांकित सभी ट्रेंड को स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो कि बिहार आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए थी, जिससे जुड़ी ये खबर निकल कर आई है कि 3,000 रुपये जो है हर स्टूडेंट्स को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ताकि वो पोशाक और 1 जोड़ी जूता जो है वो खरीद सके। और दूसरी नंबर बात यहाँ पर आई है कि वो कब मिलेंगी, तो वो महामारी दौर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आईटीआई कॉलेज जो है वो खुलने लगेंगे, तब जो है यहाँ पर आपको खुलने के बाद जो है पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है दोस्तों। और भी बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वो नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद।